ऐसे महान देश की डेमोक्रेसी की हत्या कैसे हुई? आतंकवाद के वार से चीन के प्रहार से भी ज्यादा घातक है इस देश के अंधभक्त रागा। कौन दादा, कौन? वो नीच भक्त मैं हूं। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। अमित शाह जी, जरा अपना मोदी का टेलीफोन घुमाओ। मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करता हूँ का ही लगता है ना। पहले उका पूछा कि उका अम्मा कितना बच्चा पैदा किया। अरे क्या, किस तरह का मजाक उड़ा यहाँ पर ये? अरे घुमाओ फुंगा, पूछा उका। देखो उसके लिए मोदी जी को फोन करने की जरूरत नहीं है हमें, इतना तो हम खुद ही बता सकते हैं। मोदी जी के परिवार में 6 भाई बहन है। सोम भाई मोदी, अमृत भाई मोदी, प्रहलाद मोदी और बहन बसंती बहन, पंकज मोदी और माँ को मिला के कुल 7 लोगों का छोटा परिवार है। आओ अब जरा अपनी अम्मा का बच्चा गिनवाओ। मेरा परिवार माँ का है। आप लोगों को क्या क्या सुविधाएं मिली हैं? हम लोगों को कुछ हम लोगों को कहे नहीं, टेक्नोलॉजी कुछ नहीं मिला यार। न चूल्हा मिला, न खाना जैसे हो गए लैट्रीन के मिला, और न कोई आवास मिला, कुछ नहीं मिला। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ग्वाली में एक हफ्ते जाते थे जंगल में और अकेला रहते थे। मोदी जी, मोदी जी एक महान नेता ही नहीं, महान वैज्ञानिक भी है। 24 घंटे इसरो पे काम करके चंद्रयान 3 लॉन्च कराए गए। कब हो गया ये? मोदी जी को बिहार एक बार और ले जाना है बस। क्या मोटा भाई, मोदी जी को एक दिन रैली में बुलाते और दिन भर हिंदू मुस्लिम करवाते हो। अरे योगी महाराज, एरिया हिंदुओं का है, चलकर एक बार मुसलमानों पर बोल देंगे सारे हिंदुओं के वोट अंदर। अब ये भनो जो आग लगा रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता। सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। इतना ही नहीं, वो मुगल के लोगों के जमाने की जो मानसिकता है ना, उसके द्वारा वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं और अपनी वोट। तो महंगाई से दिक्कत नहीं भाई साहब, हमको कोई दिक्कत नहीं। ऑफिस में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा महंगाई? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा महंगाई। आप 500 रुपए किलो आटा खरीद लेंगे? 500 क्या, 1000 हो जाएगा, 1000 भी खरीद लेंगे। नहीं खरीद पाएंगे, गोबर खाएंगे थोड़े दिनों बाद। भैया वर्ल्ड में टॉप का ग्लोबल लीडर है वो तुम्हारे आलू प्याज देखेगा क्या? मोदी जी आएंगे, हम उनका इज्जत करते हैं, मेरे अंकल हैं, हमको बहुत प्यार करते हैं, तो देश को बहुत बढ़िया मजबूत किया है, देश को एकदम सुरक्षित कर दिया है। महंगाई नहीं होना चाहिए बस, बात सही है। तो ये इतना जो ये चैनल पर आपने मेरा वीडियो बनाकर अच्छा 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 तो इसलिए आप यहाँ आए। आप खुद ही कहा करते हैं कि अगर युवाओं को नौकरी की तलाश हो तो मुझे वोट दे दो, वोट मतदान कर दिया। कभी महंगाई कम कर दोगे तो कभी रोजगार दिलाओगे तो कभी कह दो कि विरोध क्यों कर रहे हो। अरे कैसे ना करूं मैं आपका विरोध, अरे क्यों ना करूं मैं आपका विरोध। घबराओ नहीं, अपना ही प्लेन। पहली बात आप मेरे पास आए क्यों? क्या चाहते हैं आप मुझसे? मैं क्या, तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं जब से मैं प्रधानमंत्री बना हूं अनगिनत भक्तों को बनाया, वो सब मुझे चाहते हैं, मुझे प्यार करते हैं, मेरी अनुमति करते हैं। लेकिन तुम अकेले कैसे इंसान हो? इस देश में युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही तो मुझ पर इल्जाम लगाते हो। तो करेक्ट तो है, हमारी युवाओं के पास नौकरी नहीं है, आपकी वजह से नहीं है। आप अच्छे दिन लाते लाते देश में हिंदू मुस्लिम कर देते हो। मोदी जी एक बात बोलूं, बुरा मत मानिएगा प्लीज, इस देश में मैं तो क्या, आपसे कोई भी खुश नहीं है। कहते हैं कि आप वादे करके भूल गए हो। मेरे वादों को मैं भूल गया हूं? आप इस देश को एरोप्लेन से देखते हो, इस देश के बीच में आकर इस देश को देखो। अगर सबके दिल में एकता होती, रोजगार होता तो सब आप ही को वोट देते। मैंने जो किया इस देश के लिए वही अच्छा, इसी में देश की भलाई। अरे लेकिन बेरोजगारी हिंदू मुसलमान से किसका भला हो सकता है? आप मुझे